हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ। आज है मेरा प्रायण, कल फास्ट था, मतलब कल बृहस्पतिवार था, आज शुक्रवार, तो शुक्रवार को होता है मेरा प्रायण। फिर मैं फटाफट नीचे जाती हूँ और पहले करती हूँ मैं नहाने का काम, क्योंकि व्रत और प्रायण दिन वाले दिन मैं पूजा पाठ, मतलब पहले नहाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं चढ़ा देती हूँ पहली बार की चाय को, और फिर मतलब मंदिर में धोख लगा कर आ जाती हूँ। मतलब मंदिर में सिर्फ माथा टेका है, धोख मतलब पूजा जो करते हैं हम प्रायण वाली वो नहीं किए। फिर चाय को रख कर गैस के ऊपर फिर मैं कोली सिलाने के लिए आ जाती हूँ, जो कि मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ और सेम प्रोसेस से सिलाती हूँ। और मतलब आपको दिखा दिया, चीमू देखिए आराम से दीवार के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर मैं मतलब सबको चाय सर्व कर देती हूँ और फिर मैं मेरी पूजा करने लग जाती हूँ। मेरी चाय को मैंने छान कर रख दिया, क्योंकि मैं मेरी पूजा नीचे करूँगी और ऊपर करूँगी तब तक मेरी चाय पीने लायक हो जाएगी। लेकिन मतलब मंदिर के अंदर पूजा सिर्फ मैं 2 ही दिन करती हूँ, मतलब और प्रायण, उसके अलावा मैं नहीं करती हूँ। और मैं जो डेली पूजा करती हूँ वो मेरे इष्ट देवता की करती हूँ, मतलब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती हूँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ और तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ। सिर्फ इतनी ही पूजा करती हूँ और मेरे बाबा जी को तैयार करती हूँ, मतलब इतनी करती हूँ। मतलब मंदिर में सिर्फ 2 ही दिन करती हूँ, जिस दिन व्रत और प्रायण होता है बस। फिर मैं मेरे बाबा जी की पूजा कर लेती हूँ, मतलब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया और मतलब मेरे सूर्य देवता को और तुलसी मैया को जल दे दिया। सूर्य देवता अभी तक मतलब निकले नहीं है, मतलब बस ये है कि निकलने वाले, ऐसा रेडिश रेडिश हो गया है लेकिन निकले नहीं है। उसके बाद में मैं पीती हूँ पहली बार की चाय और मेरे सूर्य देवता के साथ मैंने ले ली पिक, और फिर मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू चाय पीने के बाद में कि ऊपर की सफाई कंप्लीट कर लूँ, कम से कम एक जगह की तो कंप्लीट कर लूँ। पानी आज देख लिया, पानी आ जाने का दिन नहीं है, लेकिन पानी आज आया भी नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन का गैप दे के आने लग जाए तो भी एक बात है, लेकिन मतलब आने लग जाए, क्योंकि 2 दिन का गैप दे के आते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चेष्टा बाबू ने अपने बाबू जी के निकाल दिए कपड़े और वो कह रहा है कि मामा बाबू जी नए कपड़े पहनेगा, वाले ये वाले पहनेगा, वो वाला नहीं पहनेगा। तो चेष्टा बाबू निकाल तो देती है, चेष्टा बाबू को पहनाने नहीं आते क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची, मैं इसको नहीं पहनाता क्योंकि अभी तक स्कूल गोइंग भी नहीं है, मतलब स्कूल में जाना इसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि मतलब जो रूल और रेगुलेशन है उसके अनुसार 4 साल का बच्चा होना चाहिए, तो 4 का मेरा बाबू अभी हुआ नहीं है। फिर उसे कपड़े पहनाए नहीं जाते और उसके बाद में फिर मैं कपड़े पहना देती हूँ मेरे बाबू जी को, और मतलब चेष्टा के बाबू जी को, मतलब मेरे बाबू जी को नहीं, चेष्टा के बाबू जी को, मतलब चेष्टा मेरा बाबू जी है और जिसको कपड़े पहना रहे हैं वो मेरा चेष्टा बाबू का बाबू जी है, मतलब उसको ये बाबूजी बोलती है। और बचपन से इसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट खिलौना बोल सकते हैं, बचपन से लेकर अभी तक, मतलब जितने भी आपने सोर्स वगैरह देखे होंगे सब के अंदर ये, मतलब लगभग के अंदर ये हमेशा इसके साथ में रहता है। और उसके बाद में फिर वो अपने बाबूजी को लेकर चली जाती है नीचे, और फिर मैं अपनी सफाई कंप्लीट कर देती हूँ सारी की सारी। और मतलब ये है कि बोलना दिख 2 सेकंड भी नहीं लगते कि सफाई कंप्लीट हो जाती, लेकिन लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, फटाफट कर दिया। लेकिन हाँ, जिस दिन आंधी आती है ना उस दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, लेकिन यह नॉर्मली मतलब करते हैं ना तो उतना नहीं लगता है, लेकिन आंधी आती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूर्य देवता देखिए कितनी धूप देने लग गए, मतलब गर्मी देने लग गए हैं, और टेम्परेचर वही दोपहर के अंदर 47 पहुँच जाता है, कभी 48 हो जाता है, कभी 47 हो जाता है। लेकिन मतलब 2 दिन, मतलब आपको मैंने बताया कि बारिश आने जैसा मौसम है, बारिश नहीं आई, मतलब दोनों दिन ही बारिश नहीं है, मौसम मौसम करके रह गया बाबा जी। और फिर देखिए सफाई होगी मेरी पूरी कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं पौधों में दे देती हूँ पानी, जो कि डेली दिन जरूरी है, नहीं तो बेचारे सूख जाएंगे। फिर मैं मेरे बाबा जी को तैयार कर लेती हूँ और दोबारा की चाय को बनाकर सबको सर्व कर देती हूँ। मैं, मेरे बाबा जी और गुन्नू, मतलब चेष्टा बाबू रह गया, गुन्नू भी चाय नहीं पीती है। और फिर देखिए हम 3 रह गए हैं, उसके बाद में बाबा जी को तैयार करती हूँ। मेरा बाबा जी देख रहा फ़ोन, देखिए मतलब पता नहीं फ़ोन कितना दीवाना है। उसके बाद में फिर ये बाबा जी को चाय दे देती हूँ बिस्किट के साथ में, बिस्किट चेष्टा बाबू खा लेता है और बाबा जी को, फिर उसके बाद में चेष्टा बाबू को चाय दे देती हूँ। फिर मैं करने लग गई अपने ड्राइंग रूम की सफाई और बात कर रही हूँ चेष्टा बाबू और गुन्नू से, दोनों के दोनों मेरे पास में है, लेकिन मतलब दिखाई सिर्फ मैं देती हूँ। देखिए आपको दिखा देती हूँ कि गुन्नू और चेष्टा भी दोनों के दोनों यहाँ पर है, मतलब ये बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक करूँगी, ये हमारा ड्राइंग रूम है। और मतलब नीचे ऊपर की तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब नीचे की सफाई के अंदर मैं फटाफट लग गई कि मतलब ज़्यादा तेज़ धूप हो उससे पहले मैं सफाई कंप्लीट कर लूँ, मतलब बहुत, मतलब इसीलिए मैं सबसे पहले ऊपर की सफाई कंप्लीट कर दी, क्योंकि दोपहर के अंदर ऊपर की सफाई कंप्लीट नहीं होती। ये रहे दोनों के दोनों बदमाश। उसके बाद फिर मैं बाहर झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। और उसके बाद कल मेरा फास्ट था, तो मतलब शुक्रवार है, तो मेरे को खाना खाए हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं, मतलब 32-33 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 32-33 से भी फालतू हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बुधवार की रात को खाना खाया था, बृहस्पतिवार को भी नहीं खाया पूरे दिन, और अभी तक भी पहला इतना काम कर लिया अभी तक नहीं खाया है। फिर मैं खाना खाने की तैयारी कर देती हूँ, मैं चेष्टा बाबू को खाना खिला दूँगी, बाबा जी को भी खिला दूँगी और मैं खुद भी खा लूँगी, क्योंकि मतलब शुक्रवार को नॉर्मली बात है कि भूख लगने लग जाती है और एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। और ये देखिए मतलब गौ माता को रोटी देने के लिए आती हूँ, जो हमारी डेली निकलती है, तो गौ माता नंदी जी के साथ में लड़ाई कर लो, साइज़ देखिए
नंदी जी का, मतलब छोटा बच्चा है ये, लेकिन फिर भी गाय से टक्कर ले रहा है। फिर गौ माता को दे देती हूँ रोटी। मैं फिर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने खाना खाने के लिए ऊपर आ जाती हूँ। और फिर मैं मेरे बाबा जी को खाना दे देती हूँ और मैं और चेष्टा बाबू खाना खा लेते हैं। चलो मतलब इतना काम कम्प्लीट हो गया। फिर ऊपर आ जाती है गुन्नू। गुन्नू खा रही है पोहा, मतलब वो खाना नहीं खा, रोटी नहीं खा रही है, पोहा खा रही है दोपहर के अंदर। फिर मैं नीचे सफाई करने लग जाती हूँ तो चीमू देखिए कहाँ आराम से इस कमरे के अंदर सो रहा है। फिर उसके बाद में फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मतलब उस साइड का कंप्लीट कर दिया था, इस साइड का रह गया था क्योंकि इस साइड खाना बन रहा था। तो उसके बाद में फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर हो जाती है मेरी सफाई कंप्लीट। मतलब खाना हो गया, बर्तन हो गए, और मतलब क्या कहें, खाना बर्तन झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो गया है। अब काम रह गया चेष्टा बाबू को नहलाना और कपड़े धोना। कपड़े धोऊंगी मैं शाम को, क्योंकि हो गई है धूप बहुत ज़्यादा तेज़, तो कपड़े मैं शाम को दूंगी। देखिए ये हमारा गेस्ट रूम छोटा सा है, लेकिन जैसा भी है अच्छा है। मतलब घर जैसा भी होता है वो, मतलब स्वर्ग जैसा ही होता है। तो हमारा घर जैसा भी है, मतलब मेरे लिए वैसे मतलब स्वर्ग जैसा ही है। ये है मेरी शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी, और मेरा बाबू जी सो। बाद में मैं चलती हूँ कपड़े धोने के लिए, तो दिख जाती मेरे को प्यारे से नंदी जी, जो मैंने आपको दिखा दिया। पानी पी रहे थे बेचारे, रोड क्रॉस करते हैं वो फिर चले जाते हैं। मतलब गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है दोपहर के अंदर। फिर मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। मतलब ये मतलब क्या कहें, 5:30-6 बजे का आसपास का टाइम है। इस टाइम के ऊपर मैं कपड़े धोने, लेकिन गर्मी अब भी मतलब उमस वगैरह सब कुछ वैसे, मतलब जब तक बारिश नहीं आएगी ठंडा मौसम नहीं हो सकता। लेकिन जून का अभी मतलब अभी तक तो दिखा नहीं, 10 दिन का जो गूगल दिखाता है उसके अंदर तो अभी तक बारिश दिखा नहीं रहा है। आगे देखते हैं होता ही या नहीं होती है, लेकिन मतलब हो जाए तो बस ये थोड़ा बहुत ठंडे दिन हो जाएंगे। उसके बाद में ये देखिए मैं कपड़े पानी में निकाली थी, ये गुन्नू, मतलब गुन्नू ऐसे मतलब कह रही है कि मम्मा जी मैं आपकी मतलब बना रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। मतलब ये गुनू ने बनाई है, मतलब डांस करती हूँ, मतलब वीडियो फ़ोन डांस कर रहा है, मैं डांस नहीं कर रही हूँ। और ये है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। बाबा जी को लड्डू दिया है, मतलब किसी ने सवा मुने लगाई थी वो। फिर इतने सारे कपड़े धोए थे जो उस टाइम के ऊपर मैं आपको नहीं दिखा पाई, मतलब 2 दिन के हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। फिर मेरे बाबा जी सो जाते हैं, मेरा बाबू जी सो जाता है। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में। बाय।